यस आई कैन बेंड माई फिंगर बैकवर्ड्स, क्यों काम आता है मत पूछना। बेस्ट एनिमे जो 2022 के अंदर रिलीज हुई थी, और ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, पहले बता रहा हूँ। रैंकिंग को लेकर तुम लोग अगर डिसएग्री करते हो तो ठीक है, अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर 10 स्पाई फैमिली। क्या बोलू मैं, काफी ज्यादा होलसम शो है और आन्या का जो कैरेक्टर है वो इस सीरीज को ऊपर लेके जाता है। बट टॉप 10 में एंट्री मारने का जो सबसे बड़ा रीजन मेरे लिए पर्सनली है वो है योर फोजर वॉट, और इसको 10 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि योर का ज्यादा दिखाते नहीं रोल। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एक्चुअल में काफी ज्यादा होलसम है, और अगर अपने को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना है एकदम रिलैक्स चिल होके, तो स्पाई फैमिली काफी अच्छा ऑप्शन है। नंबर 9 एक ऐसा एनिमे है जो कुछ सालों पहले तक एकदम टॉप में कंसीडर किया जाता था बाय द नॉर्मीज। शुरुआत के सीजन इसके काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम प्रॉपर शोनन एनिमे, लेकिन सीजन 5 के अंदर जो हगा है, और उसके बाद 2022 में रिलीज होने वाले सीजन 6 के अंदर जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है नंबर 9 पे रखने का। नाम नहीं लिया गया मैंने, माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 पार्ट 1। नंबर 8 ब्लू लॉक। स्पोर्ट्स एनिमे है लेकिन अपनी शुरुआत में इसने काफी यूनिक अप्रोच रखा है। जापान नेशनल फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप जीतना है, इसलिए वो लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ब्लू लॉक जो उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइकर प्रोड्यूस करके देगा। थोड़ी चीजें हैं जो ये एनिमे एकदम यूनिक करता है सबसे हटके, और इसलिए इंटरेस्टिंग भी। एनिमेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो एकदम रेगुलर फील होती है। कैरेक्टर्स ले लो या फिर अब तक जितने एपिसोड देखने मिले थे उसके अंदर पूरा टूर्नामेंट स्टाइल जो आर्क रखा था। नंबर 7 दो एनिमे रखे क्योंकि मैं पिक नहीं कर पा रहा था किसको ऊपर नीचे रखूं, और दोनों एकदम वर्ल्ड सपाट। एक है समर टाइम रेंडरिंग जो रिस्पॉन वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कोई कैरेक्टर मर जाता है, कुछ दिन पीछे जाके फिर से जिंदा हो जाता है, वो अपनी जिंदगी जीता है, फिर मरता है, फिर पीछे जाता है, फिर जिंदा होता है, यू नो लाइक वीडियो गेम के अंदर चेक पॉइंट पे जैसे तुम बार बार रिस्पॉन होते हो। और ये कॉन्सेप्ट मूवी सीरीज के अंदर कोई नया नहीं है, लेकिन समर टाइम रेंडरिंग उसको एक थोड़ा यूनिक तरीके से करता है चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके। जैसे कुछ कैरेक्टर्स के डबल रोल देखने मिल जाएंगे, वो क्या है मैं नहीं बताएगा, तुम जाके देख लो एनिमे। बट एक एस्पेक्ट जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है कि हर 4-5 एपिसोड बाद तुमको लगेगा कि भाई क्लाइमैक्स आ गया, क्योंकि स्टोरी अपने स्टेक्स को उतना ऊपर लेके जाती है, लेकिन तुम देख रहे हो कि अभी 15वां एपिसोड चल रहा है, 24 है टोटल या 25 याद नहीं मुझे, और अपना मेन कैरेक्टर मरने के बाद जब फिर से रिस्पॉन हो सकता है, तो डेथ की जो वैल्यू है ना वो उतनी सीरियस रहती नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफी बढ़िया एनिमे। तुमको अगर एक टाइम ट्रैवलिश थोड़ा कुछ देखना है तो इसको चेकआउट कर लो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, हाँ इंडिया में लीगली। नंबर 7 पे इसका पार्टनर एनिमे बिल्कुल ही अलग, माय ड्रेस अप डार्लिंग। और क्या बोलूं इसके बारे में, अगर योर फोजर ने स्पाई फैमिली को नंबर 10 पे लाया तो मारिन की तगावा ने इसको नंबर 7 तक ढकला है। कॉस्प्लेयर्स को डेडिकेट किया हुआ एकदम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, जिसमें मारिन का काउंटर पार्ट गोजो नाम होता है क्या, वो भी उतना ही ऑसम है। नंबर 6 पे फिर से दो एनिमे रखे मैंने क्योंकि काफी ज्यादा इनडिसाइसिव हूं, यही है ना इंग्लिश वर्ड, और इसका मतलब ऐसा भी होता है कि वीडियो के अंदर मैंने तुमको बनाया 10 के बदले 12 एनिमे बता रहा हूँ, थैंक यू बोलो। दोनों एनिमेस काफी अलग तो हैं एक दूसरे से, लेकिन इस नंबर पे रखने का एक बड़ा रीजन है उनकी एंडिंग। जो जो स्टोन ओशन फाइनली खत्म हो गया और इसने जो फिनाले दिखाया अपने को, इट वाज बूम, मतलब क्या हो रहा है भाई, बिलीव ही नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना कि वर्ल्ड चेंजिंग, तो इसने वो लिटरली ले लिया। और बाकी सारे रीजंस इसको नंबर 6 पे रखने के बताना जरूरी नहीं है क्योंकि इट्स जोजो, एकदम हट के सुपर पावर्स देखने मिलती है, उनकी आपस में फाइट और एक फैन फेवरेट कैरेक्टर का रिटर्न। इसी के साथ नंबर 6 पे जो दूसरा एनिमे है मॉब साइको सीजन 3, और जैसा मैंने बोला दैट एंडिंग मैन, पहले भी मैंने बोला लेकिन मॉब साइको एनिमे काफी ज्यादा क्लोज है यहाँ के। दो सीजन ऑलरेडी आ चुके थे, सेकंड वाला काफी कमाल है, और थर्ड के लिए मैं थोड़ा नर्वस था। शुरुआत काफी अच्छी होती है, बीच में थोड़ा पॉज करके टाइम लेता है, और एंड फिर से बोल रहा हूँ दैट एंडिंग मैन डेडिकेटेड वीडियो कुछ दिनों पहले बनाया, जाके चेक कर लेना। नंबर 5 साइबरपंक एज रनर्स, एकदम सरप्राइज हिट, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आने के बाद जो पंच मारा इसने सीधा तुम्हारे पेट में, जिसके कारण एंडिंग बहुत ज्यादा हार्ड फील होती है। ओवरऑल एनिमे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक और प्लस पॉइंट की सिर्फ 10-12 एपिसोड हैं और वहीं पे खत्म, आगे जाके कोई सीजन नहीं आएगा, कुछ नहीं। नंबर 4 का एनिमे नाम सुन के तुम लोग गाली दे सकते हो कि इसको इतना ऊपर क्यों रखा है, लेकिन जो टॉप 10 वाली वीडियोस होती है उससे इंसान का कैरेक्टर पता चलता है। मैं भी तुमको जज करेगा नीचे, मतलब कमेंट सेक्शन में तुम लोग जज कर लो। नंबर 4 की एंट्री कागुया-सामा लव इज वॉर सीजन 3 से, क्या ही बोलोगे, हूं मैं रोमकॉम का एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उस रोमकॉम को कितना बढ़िया तरीके से करती है ये सीरीज। और एक बड़ा रीजन जिसके कारण सीजन 3 इसका इतना ऊपर है कि एंड फील करवा देता है कि भाई दिस इज द एंड, जो कि नहीं है, आगे और आएंगे, बट
फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्टेप वो लोग इतनी जल्दी ले लेंगे। वैसे तो 3 सीजन कम नहीं होता, लेकिन एनिमे की दुनिया में इतने में हैंड होल्ड करना भी इट्स वेरी अर्ली। टॉप 3 बताने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाए। जुजुत्सु काइसन 0, मेरे से गलती होगी, मैंने इसकी मांगा पहले पढ़ ली थी। अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड जो कि अच्छा है, लेकिन इसका रिलीज स्केड्यूल कोविड के कारण भाई बहुत बुरा हुआ है एनिमे के साथ। और कोमी कांट कम्युनिकेट लिस्ट के अंदर वो मोहतरमा नहीं आ पाई, क्योंकि साल खत्म होते होते अपने को एक बेटर कोमी कांट कम्युनिकेट देखने मिल गया। सोशल एंग्जाइटी को लेके कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट बोची द रॉक रॉक्स नंबर 3 पे है वो। ये उन एकदम थोड़े एनिमेस का पार्ट है जिसको देख कर ही तुमको अंदाजा लग जाएगा कि इसके बनाने वाले लोग कितने पैशनेट थे। कैरेक्टर राइटिंग, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग इतनी बढ़िया तरीके से मिक्स हुई है ना कि बोची तो भाई गजब। तुम सोच के देखो कि इकलौती सिंगल कैरेक्टर इस पूरे सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट है, और उस अकेले के कारण ये सीरीज इतना ऊपर है लिस्ट में, क्योंकि सारी यूनिकनेस सारा ऑसमनेस तो उसने एक कैरेक्टर के अंदर घुसा दिया। टॉप के 2 एनिमे बचे हैं, और अगर तुम मुझे जानते हो तो शायद अंदाजा लगा सकते हो कौन से होंगे वो। वो बताने से पहले 2 ऐसे एनिमे के नाम लेना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया हैं और इस लिस्ट के अंदर आना डिजर्व करते थे, लेकिन उनका स्टार्ट या फिर मेजॉरिटी एपिसोड्स पिछले साल हुए थे, इसलिए इस लिस्ट में नहीं आ पाए। डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और रैंकिंग ऑफ किंग्स, मैंने जानबूझ के इनका नाम नहीं लिया क्योंकि पिछले साल वीडियो नहीं बना पाया था, तो इस साल मेंशन कर देता हूं। अब बढ़ते हैं टॉप 2 की तरफ। नंबर 2 पे है एडिटर ड्रम रोल्स प्लीज, चेनसॉ मैन। पिछले ही हफ्ते डेडिकेटेड वीडियो बनाया इसके ऊपर मैंने, और उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां निकाल रहा था मैं, बट फिर भी ओवरऑल एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया। कैरेक्टर्स हो गए, जो वर्ल्ड दिखाया है अपने को वो किस तरीके से इनको अफेक्ट कर रहा है उनकी डेली लाइफ। डेंजी भैया अपना एक गोटी बेच दिया है जिंदा रहने के लिए। थोड़ा बहुत फैमिलियर वर्ल्ड होने के बाद भी काफी यूनिक है ये। और सीजन 1 खत्म होने के बाद मेरा वेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आगे का सब रीड कर लिया। तुम स्पॉइल नहीं कर सकते मेरे को, बताओ क्या होता है आगे, बताओ क्या। तंग आ गया था भाई पिछली वीडियोस के अंदर जो स्पॉइलर भर भर के मारे थे मेरे को। बट चेंज ऑफ मैन इज नंबर 2, और नंबर 1 पर जो एनिमे है, ड्रम्स बजाओ फिर से, रेंट अ गर्लफ्रेंड। मजाक करो भाई भाई, चिल 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 मजाक। लिस्ट निकाल रहा था मैं इस साल कौन कौन सी मैंने देखी है, तो उसमें जब रेंट अ गर्लफ्रेंड देखा भाई सदमे सारे याद आ गए, तो सोचा तुमको भी याद दिला दूं, इसलिए मजाक में बोल दिया। एक्चुअल जो नंबर 1 है, गेस करने की भी जरूरत है क्या? अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 फिनाले पार्ट 2। इसकी मांगा मैंने पहले से रीड कर ली थी और मुझे पता था कि क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी जब वो मोमेंट्स आए इतने गंदे हिट हुए। इस सिंगल पार्ट 2 के अंदर इतने ज्यादा आइकॉनिक चीजें दिखा दी अपने को, एलियंस वर्सेस मारले जो पूरी फाइट होती है, फिर गाबी जो ठाए चलाती है, एरन का वो अटैक टाइटन को लेके इतना बड़ा रिवील, फिर उसके फादर का वो कन्फेशन जीक को जब वो हक करता है, ओ इनसेन। आज भी YouTube के ऊपर अगर वो क्लिप देख लेता लो तो इतना गंदा हिट करता है, और हम लिंक की तो बात ही नहीं करी। तुम लोग में भी डिसएग्री करो, मेरे ऊपर लेबल लगा सकते हो अटैक ऑन टाइटन का फैन बॉय, तो ठीक है आई डोंट केयर, मेरे लिए दिस इज नंबर 1 ऑफ 2022। अगर मैंने कोई मिस कर दिया है तो उसके लिए सॉरी, करेक्ट कर सकते हो मुझे। YouTube से बाहर हट के पर्सनली कनेक्ट करना है तो मैं मिल जाऊंगा Instagram के ऊपर अगले वीडियो में भी, तब तक ले जाए वंदे मातरम।